दोस्तों, रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था के महत्वपूर्ण टॉपिक नागरिकता पर हम लोग चर्चा करेंगे। पिछले कुछ दिनों से नागरिकता पर चर्चा भी हो रही थी और हाल फिलहाल में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से इस पर काफ़ी कुछ देशव्यापी विरोध भी हुआ था। तो इन सभी बिंदुओं का हम विश्लेषण नागरिकता नामक चैप्टर के अंतर्गत करेंगे। तो नागरिकता के संदर्भ में हम आज का ये टॉपिक प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले नागरिकता के संदर्भ में एक सामान्य परिचय हम ये जान लेते हैं कि भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। और पूर्व में भाग पर चर्चा करते समय नागरिकता के बारे में जो ये बताया भी गया था कि भाग 2 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। तो सामान्य परिचय के अंतर्गत भाग दो में इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 2 से 5 के अंतर्गत अनुच्छेद दो से पाँच के बीच में भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। नागरिकता के संदर्भ में कानून बनाने की शक्ति भारतीय संविधान के द्वारा संसद को प्रदान किया गया है और समय समय पर नागरिकता अधिनियम और नागरिकता में संशोधन संसद के द्वारा किया गया है। और हाल में सबसे जो संशोधन किया गया था वो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है, जिसे CAA के नाम से लोग जानते हैं, यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 था। तो इस तरीके से भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 2 से लेकर के 5 के बीच में नागरिकता के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। तो इसके टॉपिक के अंतर्गत हम मुख्य रूप से इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। एक सामान्य परिचय है, दूसरा संवैधानिक प्रावधान है, और तीसरा जो है वो नागरिकता प्राप्ति और तीसरा नागरिकता समाप्ति। कुछ ऐसे आधार हैं जिनके आधार पर भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था में ये प्रावधान किया गया है कि नागरिकता का लोप भी हो सकता है, वो अलग अलग कंडीशन है। और नागरिकता अधिनियम, तो नागरिकता एक जो टॉपिक है इसके अंतर्गत हम सामान्य परिचय, संवैधानिक प्रावधान, नागरिकता प्राप्ति किस तरीके से होगी, नागरिकता की समाप्ति कैसे होती है और नागरिकता अधिनियम संसद के द्वारा समय समय पर बनाए गए हैं, इस तरीके के फॉर्मेटिंग लगभग टॉपिक में इस आधार पर किया जाता है। इसलिए किया जाता है जिससे आपकी प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा की तैयारी साथ साथ हो सके, एक अवधारणात्मक समझ आप लोगों के अंतर्गत डेवलप हो सके। तो इस तरीके से ये फॉर्मेट आप अपने दिमाग में बनाए रखने का प्रयास करेंगे। तो इस पर अगर कहीं पर लिखने के लिए भी आता है, चाहे वो निबंध में हो या मुख्य परीक्षा में, तो वहां पर भी जो है प्रावधानों के साथ साथ आप अपने विचार को उसमें व्यक्त करेंगे। निबंध एक ऐसी विचारधारा है जहां पर व्यक्ति या कैंडिडेट के जो है उस विषय पर विचार की मांग की जाती है, लेकिन उनके कुछ पहलुओं को जो प्रावधान किए गए हैं, जो नियम बनाए गए हैं, जो संसद के द्वारा कानून बनाए गए, उनका भी उल्लेख किया जाता रहा है और किया जाता है। तो इस तरीके से ये फॉर्मेट बना देने से आप लोगों के पास एक अवधारणात्मक समझ विकसित होगी, जो तैयारी में और लिखने में, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में, दोनों में ही आपकी जो है मदद करेगा। तो सामान्य परिचय के अंतर्गत ये भाग दो में और अनुच्छेद 2 से 5 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 2 से 5 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है और भारत में इकहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ये चीज ध्यान में रखना आवश्यक है, भारत में इकहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। पूर्व में जब संविधान के स्रोत की चर्चा हो रही थी तो भारत में इकहरी नागरिकता का प्रावधान बताया गया था कि भारत में ब्रिटेन के तर्ज पर इकहरी नागरिकता का जो प्रावधान भारत में किया गया है। तो इस तरीके से एक सामान्य परिचय के अंतर्गत
अनुसूचित कार्य नागरिकता और संसद के द्वारा इन सभी में जो है कानून बनाने की शक्ति इत्यादि का आप उल्लेख संविधान के सामान्य परिचय के अंतर्गत टॉपिक में करेंगे। संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत ये किया गया है कि अनुच्छेद 5 के अंतर्गत ये बताया गया है कि संविधान के जो है प्रारंभ होने पर यानी कि स्वतंत्रता के जो है समय वह सभी नागरिक वह सभी निवासी भारत के नागरिक माने जाते थे जिनके माता पिता या जिनका जन्म जो है भारत में हुआ था या जो 5 वर्ष पूर्व से जो भारत में जो है निवास कर रहे थे। अर्थात 5 के अंतर्गत वह सभी स्वतंत्रता के समय जो है उन सभी निवासियों को भारत का नागरिक माना गया जिनका जन्म या उनके माता पिता का जन्म जो है भारत में हुआ था और वह 5 वर्ष पूर्व से भारत में निवास कर रहे थे। तो इस तरीके से ये 5 अनुच्छेद 5 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 6 के अंतर्गत जो है प्रावधान ये किया गया है कि ऐसे व्यक्ति जिनका आवर्जन जिनका प्रवर्जन जो है वो पाकिस्तान से भारत में जो हुआ है उनके नागरिकता के संदर्भ में अनुच्छेद 6 के अंतर्गत जो प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 7 के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति जिनका प्रवर्जन भारत से पाकिस्तान में हुआ। यहां पर क्या था कि पाकिस्तान से भारत में हुआ था लेकिन इसमें क्या था कि भारत से पाकिस्तान को गए हो पहले जो है ये भारत से जो है पाकिस्तान को गए हो और उसके बाद जो है भारत से पाकिस्तान को गए और पुनः पाकिस्तान से जो है भारत को चले आए। तो इस प्रकार के जो है लोगों के नागरिकता से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 7 के अंतर्गत जो है किया गया है और यहां पर क्या था पाकिस्तान से पहली बार भारत आए थे। इसी तरीके से 8 के अंतर्गत किया गया है भारतीय मूल के वह विदेशी जो है व्यक्ति भारतीय मूल के वह विदेशी व्यक्ति जिनका जन्म या जिनके जो है माता पिता का या उनके दादी दादा का जो है जन्म जो है अविभाजित भारत में जो है हुआ था और उनको जो है पंजीकरण के माध्यम से जो है यहाँ पे नागरिकता देने का जो है प्रावधान किया गया है। तो इस तरीके से 5, 6, 7 और 8 में अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में नागरिकता देने के अलग अलग प्रावधान जो है किए गए हैं। इसमें ऐसे निवासियों के बारे में जो दिया गया है जो भारत में थे और उनका जन्म या उनके माता पिता का जन्म हुआ हो और वो 5 साल से निवासी हो इसमें पाकिस्तान से भारत की तरफ आवर्जन और साथ में भारत से पाकिस्तान जाने वाले और पुनः वहां से लौटने वाले के बारे में प्रावधान किया गया था और 8 में भारतीय मूल के जो लोगों के बारे में प्रावधान किया गया था जो जिनके माता पिता उनके दादा दादी या उनका जन्म अविभाजित भारत में जो हुआ था और वे लोग जो है उनको पंजीकरण के माध्यम से भारत में नागरिकता देने का जो प्रावधान किया गया था। तो 5, 6, 7 और 8 अनुच्छेद के माध्यम से इस तरीके की व्यवस्था की गई थी और अनुच्छेद 9 में नागरिकता समाप्ति के बारे में भी जो है प्रावधान किया गया है जो हम यहां पर ये पॉइंट आउट किए हैं। इसके अंतर्गत ये व्यवस्था बनाई गई थी कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी अन्य देश का नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत की नागरिकता वहां पर जो है वो समाप्त कर दी जाती है। तो भारत की नागरिकता वहां पे जो है नहीं रह जाती या वह स्वयं व्यक्ति भारत की नागरिकता का त्याग दे तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है या उस व्यक्ति भारत के उस नागरिक के द्वारा कोई देश विरोधी या नागरिक विरोधी जो गतिविधियों में संलिप्तता के दौरान पाया जाता है तो कार्यवाही के तहत उसकी नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। तो ये 3 महत्वपूर्ण आधार है जिनके द्वारा व्यक्ति की नागरिकता जो है समाप्त हो जाती है। तो इस तरीके से अनुच्छेद 9 के अंतर्गत नागरिकता से संबंधित समाप्ति का जो है या लोप करने का प्रावधान किया गया है। तो इस तरीके से ये अनुच्छेद हैं जिनके माध्यम से नागरिकता के लिए एक संवैधानिक जो प्रावधान किया गया है ये हमारे इन पूरे लेक्चर का ये दूसरा बिंदु है जिससे ये स्थिति स्पष्ट होती है। तो नागरिकता प्राप्ति एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने के बारे में भी जो है चर्चा किया गया है। नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय संविधान में 5 प्रकार के जो है प्रावधान किए गए हैं जिससे नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। जन्म से, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीयकरण या प्राकृतिक आधार पर भी जो है कहा जा सकता है और भूभाग के द्वारा
भाग्य के द्वारा, ये पांच आधार हैं जिनके द्वारा नागरिकता को प्राप्त करने के जो है प्रावधान किए गए हैं। जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीयकरण के आधार पर और भूभाग के आधार पर। जन्म के आधार पर का तात्पर्य है कि संविधान लागू होने के बाद वे सभी व्यक्ति जिनका जन्म भारत में हुआ है नागरिक माने जाएंगे, कम से कम जिनके माता पिता में से एक व्यक्ति जो है वो भारत का नागरिक हो। किंतु यह शर्त उन लोगों के लिए लागू नहीं होगा जो किसी भी तरीके से घुसपैठ से या अवैध प्रवासी के रूप में भारत में आए हों। तो ये एक सामान्य व्यवस्था है और भारत के किसी भी व्यक्ति के ऊपर ये नियम लागू होता है, एक साधारण व्यक्ति के ऊपर भी, कि वो संविधान के लागू होने के बाद अगर भारतीय क्षेत्र में, भारत के अंतर्गत जो उसका जन्म होता है, उसके माता पिता में से कोई भी व्यक्ति जो है भारत का नागरिक होता है, तो वह व्यक्ति जन्म के आधार पर भारत का नागरिक हो जाए। वंश के आधार पर नागरिकता, वंश के आधार पर नागरिकता का तात्पर्य है कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म विदेश, ये भारत में जो जन्म की बात करता है और ये विदेशों में बात करता है, विदेश में, ये वंश के आधार पर, कि अगर कहीं पर विदेशों में व्यक्ति का जन्म होता है और उसके माता पिता में से कोई भी एक व्यक्ति जो है भारत का नागरिक हो, तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, बशर्ते इसमें एक बिंदु स्पष्ट किया गया है कि एक साल के भीतर उस व्यक्ति के जन्म का पंजीकरण भारतीय कंसुलेट में उस देश में जो है कराया जाना आवश्यक है। यह व्यवस्था 2004 ईस्वी से रजिस्ट्रेशन की गई है और 1992 ईस्वी में इसे माता या पिता किसी के नागरिकता के आधार पर उसे नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था। उसके पूर्व में यह था प्रावधान कि केवल पिता के ही नागरिक होने में वह व्यक्ति नागरिकता हो सकता था, लेकिन 1992 ईस्वी में इसमें परिवर्तन कर दिया गया और माता या पिता दोनों में से कोई भी यदि नागरिक है तो वह जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा, बशर्ते कि एक वर्ष के अंतर्गत उसका रजिस्ट्रेशन भारतीय कंसुलेट में कर दिया गया हो। तो ये विदेशों में कोई भी व्यक्ति जन्म के आधार पंजीकरण है। ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 में जो है, 1986 में यह स्पष्ट किया गया है कि पंजीकरण के द्वारा भी भारत में नागरिकता प्राप्त की जा सकती है और इसके लिए कम से कम 5 वर्ष जो है भारत में रहना आवश्यक है। तो देशीयकरण या प्राकृतिक विधि के द्वारा भी जो है, देशीयकरण के द्वारा भी नागरिकता प्राप्त की जा सकती है और इसके लिए भारत में निवास की अवधि 10 वर्ष निर्धारित की गई है कि वह व्यक्ति जो है 10 वर्ष भारत में निवासी हो। देशीयकरण के माध्यम से एक शर्त यह है कि उस व्यक्ति को ही नागरिकता दी जा सकती है जिस देश में किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करने पर प्रतिबंध ना दिया गया हो। यह बात स्वतः ही उसमें निहित है कि यदि वहां पे नागरिकता देने की प्रावधान नहीं होगा, दूसरे देश की नागरिकता लेने के बारे में प्रावधान नहीं होगा, तो यहाँ का वो नागरिक नहीं बन सकता है, यहाँ नागरिकता उसको नहीं दी जा सकती है। तो इस तरीके से देशीयकरण के माध्यम से भी या प्राकृतिक माध्यम से भी उसे नागरिकता दिया जा सकता। भूभाग एक ऐसा माध्यम है कि अगर किसी भी भूभाग को भारत में सम्मिलित किया जाता है तो उस भूभाग में रहने वाले लोग स्वतः भारत के नागरिक माने जाएंगे। तो ये 5 आधार है, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीयकरण या प्राकृतिक आधार पर तथा भूभाग। इन 5 आधारों पर भारत की नागरिकता प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि इन सभी आधारों पर अगर कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक बनता है तो उसे शपथ ग्रहण करना पड़ता है संविधान के प्रति निष्ठा का, जो है संविधान के प्रति निष्ठा का जो है एक शपथ ग्रहण करना पड़ता है और इस आधार पर वो भारत का नागरिक बन जाता है। नागरिकता के संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में राष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पदों के लिए वो जन्म से या प्राकृतिक आधार पर, दोनों ही आधार पर प्राप्त नागरिकता वाले व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है। किंतु अमेरिका से अगर तुलना किया जाए तो वहां पर केवल जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्ति को ही राष्ट्रपति बनने का अधिकार दिया गया है। तो इस तरीके से यह स्पष्ट होता है कि भारत में राष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पदों पर पहुंचने के लिए नागरिकता के आधार पर नियमों में काफी शिथिलता बरती गई है, काफी लिबरल पॉलिसी अपनाई गई है। तो इस तरीके से नागरिकता के संदर्भ में एक सामान्य परिचय संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेदों के माध्यम से स्पष्ट किया गया। नागरिकता प्राप्ति करने के ये 5 आधार हैं, नागरिकता समाप्ति के लिए
अनुच्छेद 9 के अंतर्गत जो है प्रावधान आप लोगों को बताया गया 3000 पे, और नागरिकता अधिनियम। अब हम इस पर चर्चा करते हैं क्योंकि नागरिकता अधिनियम और नागरिकता से संबंधित अधिनियम में संशोधन करने की शक्ति भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद को प्रदान किया गया है, और संसद के द्वारा नागरिकता अधिनियम सबसे पहली बार जो पारित किया गया था वो नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया था। यह नागरिकता अधिनियम का आधार है, और बाद में नागरिकता अधिनियम में जब कभी भी बदलाव करने की अपेक्षा हुई तो इस अधिनियम में संशोधन किया जाता रहा, और इस अधिनियम में ही नागरिकता प्राप्ति करने के जो ये आधार 5 बताए गए हैं वो इन्हीं नागरिकता अधिनियम 1955 में उल्लिखित है। पुनः नागरिकता अधिनियम 1986 में संशोधन किया गया, नागरिकता अधिनियम 1992 में संशोधन किया गया, 2002 में संशोधन किया गया, 2005 में संशोधन किया गया, 2015 में संशोधन किया गया, और 2019 में हाल में संशोधन किया गया जो कि CAA के नाम से जो है प्रचलित है, यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम। तो इस प्रकार से संसद के द्वारा भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया, और समय समय पर नागरिकता अधिनियम में संशोधन भी किया गया, और इन संशोधनों की पृष्ठभूमि में कुछ योजनाएं चलाई गई जिससे भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोग या भारत से टच में रहने वाले लोग भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकें, भारत से जुड़ सकें, यहाँ के समाज और यहाँ के लोगों के विकास में अपना योगदान दे सकें। तो इस संदर्भ में 3 महत्वपूर्ण योजनाएं और संसद के द्वारा बनाया गया कानून था जिसका चर्चा और उल्लेख करना यहाँ आवश्यक है। तो पहला है PIO, यह योजना 2002 ईस्वी में चली, इसे पीपुल्स ऑफ इंडियन ओरिजिन कहा जाता है, भारतीय मूल के कार्ड धारक व्यक्ति, भारतीय मूल के कार्ड धारक व्यक्ति यह योजना प्रारंभ किया गया, और इसके अंतर्गत यह कहा गया कि वह सभी व्यक्ति जिनका जन्म या जिनके माता पिता का जन्म भारत में जो हुआ है और वह भारत शासन अधिनियम 1935 से पूर्व कभी नागरिक रहे हैं वे इस योजना के अंतर्गत आ सकते हैं। इसके माध्यम से यह सुविधा प्रदान की गई कि वे कार्ड धारक व्यक्ति भारत में वीजा के बगैर रह सकते हैं और बिना रजिस्ट्रेशन के 180 दिनों तक भारत में रहने की छूट प्रदान की गई, किंतु इसमें एक शर्त दी गई कि इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन और श्रीलंका इन 7 देश के लोगों को इसमें छूट प्रदान नहीं किया गया था। इन देशों से अतिरिक्त बाहर के देशों के लिए इस प्रकार की सुविधाएं बनाई गई थी। तो इस तरीके से PIO जो कि 2002 ईस्वी में जो प्रारंभ किया गया था यह नागरिकता अधिनियम में संशोधन और उसको शिथिल बनाने का प्रयास था ताकि भारत से बाहर रह रहे लोग भारत से जुड़ सकें और यहाँ विकास में अपना योगदान दे सकें। इसी तरीके से OCI योजना ये 2005 ईस्वी में प्रारंभ की गई, इसे प्रवासी भारतीय कहा जाता है, ये प्रवासी भारतीय योजना है, इसे ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, 2005 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत वह व्यक्ति विदेशों में रहने वाले वह व्यक्ति इसके अंतर्गत सुविधा प्राप्त कर सकते थे जो स्वतंत्रता के समय भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते करने की शर्त रखते थे जो स्वतंत्रता के समय भारत की नागरिकता प्राप्त करने की शर्त रखते थे या इसी तरीके से कभी भी उन्होंने स्वतंत्रता के बाद भारत की नागरिकता प्राप्त किया या वे उस भूभाग से संबंधित हैं जो भारत में बाद में मिलाया गया। तो इस तरीके से इस प्रकार के लोगों को 2005 में प्रारंभ की गई OCI योजना के अंतर्गत लाया गया और इनको भी वीजा के बगैर भारत में रहने की छूट दिया गया और रजिस्ट्रेशन के बगैर भारत में ये रह सकते थे, लेकिन इसमें जो शर्त थी वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को छोड़ करके अन्य देशों के लिए ये सुविधाएं प्रदान की गई थी। तो इस प्रकार से 2002 ईस्वी में PIO और 2005
पांच ईस्वी में ओसीआई की योजना प्रारंभ की गई। 2015 ईस्वी में इन दोनों ही योजनाओं को यानी कि पीआईओ एंड ओसीआई को एक दूसरे में मिला दिया गया। इसका एकमात्र उद्देश्य यह था कि पूर्व की जटिलताएं और पेचीदगियों को कम कर दिया जाए। इस प्रकार के प्रावधानों में एकरूपता लाई जाए और नागरिकों को भारत से जोड़ने की मुहिम को आगे बढ़ाया जा सके। इसके माध्यम से पीआईओ और ओसीआई के लोगों को भारत में राजनीतिक और आधिकारिक पद प्राप्त करने तथा जमीन खरीदने की छूट दी गई, ताकि भारत से जुड़े हुए लोग बहुत ही मनोवैज्ञानिक ढंग से भारत से जुड़ सकें और यहाँ के विकास में अपना योगदान दे सकें। तो इस तरीके से 2002, 2005 और 2015 ईस्वी में पीआईओ, ओसीआई और इन दोनों का जो है विलय का कार्यक्रम चलाया गया। अगला अंतिम महत्वपूर्ण जो संशोधन अधिनियम था और संसद के द्वारा अब तक बनाया गया सबसे बाद का यानी कि सबसे लेटेस्ट का जो अधिनियम है 2019 का नागरिकता संशोधन अधिनियम है, जिसे लोक प्रचलन में CAA के नाम से जाना जाता है और यह लागू होने के बाद, कानून बनने के बाद सबसे बड़ा देशव्यापी विरोध का भी जो है शिकार हुआ। इसके शिकार और विरोध होने का कारण मुख्य रूप से इसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों को शामिल न करना था। हालांकि इसके उत्तर को देने से पूर्व में इसके प्रावधान को जान लेना आवश्यक है। इसमें एक डेडलाइन जारी की गई थी 31 दिसंबर 2014। इसके पूर्व में आने वाले वह शरणार्थी जो पीड़ित थे उनको अवैध शरणार्थी ना कह करके उन्हें नागरिकता प्राप्त करने की छूट दे दी गई। लेकिन इस योजना में मुस्लिम समुदाय के लोगों को शामिल नहीं किया गया, जो इसके विरोध का प्रमुख कारण था। इसमें तीन देशों को शामिल किया गया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के शरणार्थियों को शामिल किया गया और इसके अंतर्गत 6 महत्वपूर्ण समुदायों को हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन, पारसी, इस तरीके से 6 समुदाय के लोगों को इस संशोधन अधिनियम के माध्यम से यह अवसर प्रदान किया गया और नागरिकता के संदर्भ में जो प्रावधान किए गए थे उसको शिथिल बनाया गया, ताकि यहां से इन तीनों देशों से इस 6 समुदाय के आने वाले पीड़ित शरणार्थियों को यहां शिथिलता के आधार पर नागरिकता प्रदान किया जा सके। चूंकि मुस्लिम समुदाय इसमें सम्मिलित नहीं था, इसलिए इसका देश व्यापी विरोध किया गया। लेकिन इस विरोध के काउंटर में, इस विरोध के सापेक्ष भारत सरकार का ये जवाब था कि चूंकि ये तीनों देश मुस्लिम समुदाय के देश हैं, जहां पर मुस्लिम व्यवस्था का समर्थन करने वाली सरकार होती है, तो इन देशों में मुस्लिम समुदाय के लोग पीड़ित नहीं हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ से आने वाले शरणार्थियों के संदर्भ में इस समुदाय को शामिल करने का कोई निहितार्थ नहीं बनता है। तो इस तरीके से ये व्यापक प्रावधान किया गया था और नागरिकता अधिनियम 1955 में समय समय पर संसद के द्वारा संशोधन करते हुए नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को एक व्यापक आधार प्रदान किया गया। उम्मीद करते हैं कि नागरिकता से संबंधित सामान्य परिचय, संवैधानिक प्रावधान, नागरिकता प्राप्ति के माध्यम जो कि 55 में बनाया गया था, नागरिकता समाप्ति अनुच्छेद 9 के अंतर्गत था और नागरिकता अधिनियम जो कि समय समय पर संसद के द्वारा बनाया गया और उसमें संशोधन किया गया के माध्यम से नागरिकता टॉपिक के बारे में एक समझ विकसित करने में आपको आसानी होगी। आप इस टॉपिक के साथ साथ अपने सिलेबस से संबंधित अन्य टॉपिक, अन्य विषयों का बेहतर ढंग से अध्ययन करते रहिए, एक अवधारणात्मक समझ विकसित करते रहिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर रहिए। पुनः एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।